तो शीट नंबर 89 में एग्जांपल बेस्ड ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC, हमने ये फॉर्मूलाज कर लिए हैं XL का XC का। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, मैं एक लाइन में समझा देता हूँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ओनली, देखो या तो क्वेश्चन आएगा ओनली रजिस्टर का, या क्या लगा होगा इंडक्टर, या क्या लगा होगा कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि E नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, E नॉट EMF की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको अगर मैं R से डिवाइड करूँगा तो करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं EMF RMS लूँगा, R से डिवाइड करूँगा, I भी RMS आएगा। E अगर मैं मीन लूँगा या एवरेज लूँगा, R से डिवाइड करूँगा, तो ये भी क्या आएगा, मीन आएगा। अच्छा इधर आ जाते हैं, अगर मैं E नॉट को XL से डिवाइड करूंगा, XL क्या होता है, L ओमेगा, तो मेरे पास I नॉट आएगा। अगर मैं ERMS को XL से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास I RMS आएगा, और अगर मैं E मीन को XL से डिवाइड करता हूं तो I भी मीन आएगा। तो जो काम इसमें R कर रहा है वो काम इसमें XL करेगा। उसी तरीके से इसमें अगर मैं E नॉट लेता हूँ, इसको XC से डिवाइड करता हूँ, XC क्या होता है 1/C ओमेगा, तो I नॉट आएगा। अगर मैं RMS लेता हूँ XC से करता हूँ तो I भी RMS आएगा, और अगर मैं मीन लेता हूँ XC से करता हूँ तो I भी मीन आएगा। तो बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, जो काम उसमें R कर रहा है वो काम उसमें XL कर रहा है, वो काम उसमें XC कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है रूल, बस इसी के ऊपर पूरी असाइनमेंट बेस्ड है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो, कभी RMS पूछ लेगा इंडक्टर में, कभी कैपेसिटर में, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, पता है कि या XL लगेगा या XC लगेगा। ये देखो, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है ये रहा, 100 Hz AC क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी फ्लोइंग इन 14 mH का मतलब L, फाइंड रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव थोड़ी ना पूछेगा, इंडक्टर है तो इंडक्टिव ही पूछेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है XL, फॉर्मूला क्या होता है L ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है, L पता है, आंसर ओम्स में आंसर आएगा। मेथड क्लियर है यहाँ तक, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है प्योर इंडक्टर, देखो प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में क्या गिवन है, L गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, तो L आपको मिली हेनरी में गिवन है, हेनरी में कन्वर्ट करना है, जब कुछ ना मेंशन हो सोर्स तो ऑब्वियसली कौन सा है, ई RMS, और साथ में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL इज इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा इज 2π × फ्रीक्वेंसी, आंसर। फिर क्या निकालना है, एंड RMS करंट, भाई ERMS पता है, और अगर आपको I RMS निकालना है, अभी लिखवाया था मैंने ERMS को XL से डिवाइड करके, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I RMS, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, ERMS पता है तो I RMS पता है, ठीक। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, क्या गिवन है, एल, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, इट विल हैव रिएक्टेंस ऑफ 3142। इस बार एक्स एल पता है, तो एक्स एल क्या होता है, एक्स एल होता है एल ओमेगा, एल ओमेगा, एक्स एल इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा का मतलब 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स एल बाई 2 पाई एल, तो एक्स एल पता है, एल पता है, आंसर पहला पार्ट आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, क्या निकालना है, सी, विच हैज सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं सेम रखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम है इंडक्टिव रिएक्टेंस के, एक्स एल एक्स सी के इक्वल है। अब एक्स एल तो ऑलरेडी गिवन ही है और यही हमारा इस सेकेंड पार्ट में एक्स सी भी है, तो आपको सी निकालना है। एक्स सी होता क्या है, 1/c ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से सी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एफ पता है, एक्स सी पता है, उठ करके आंसर सी आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है। थर्टींथ क्वेश्चन करना है, थर्टींथ, क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ईएमएफ की वैल्यू है ई, ई इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई टी। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ई नॉट आ गया, ओमेगा भी आ गया, दो चीज़ तो निकली जाएंगी यहाँ से कंपेयर करके। ठीक है, क्या निकालना है, कह रहे इतनी ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं जिसमें इंडक्टेंस इतने हेनरी गिवन है, इंडक्टेंस हेनरी का मतलब एल गिवन है, राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, देखो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन होगी क्या, ये होगी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ओमेगा तो आपको क्वेश्चन में पता ही है, निकाल लिया आपने कंपेयर करके, कितना 100 इंटू पाई इंटू टी, क्या निकालना है आपको, आई नॉट। अब आई नॉट निकालना है, तो आई नॉट क्या होगा इसमें, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल, क्योंकि इंडक्टर चल रहे हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे इसमें, एक्स एल, तो ई नॉट तो कंपेयर करके आपने निकाल ही लिया, कितना 220। अब क्या चाहिए आपको, एक्स एल, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, तो क्या आएगा 220 डिवाइडेड बाय एल इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, तो आई नॉट आ गया, इस आई नॉट को यहाँ पुट करके आया गया। इसमें मैंने इक्वेशन गलत बना दी, यहाँ पर मुझे -π/2 भी लेना है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, इंडक्टर, इंडक्टर में अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट ओमेगा टी माइनस क्या चलेगा, π/2 चलेगा, बिल्कुल सही है, π/2 चलेगा भाई, क्योंकि आज हमने किया कि इंडक्टर के अंदर करंट पीछे चलता है, तो वो इक्वेशन मैंने गलत लिख दी, इक्वेशन रजिस्टर की लिख दी, तो हमने इंडक्टर की इक्वेशन क्या लिखी थी, इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, अब उसमें वैल्यूज पुट करनी है, राइट, सही है, बाकी सेम है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। अगर कैपेसिटर होगा तो करंट क्या होगा, +π/2, और इंडक्टर होगा तो -π/2, तो ये यहाँ पे किया होगा इसने, हाँ ये रहा आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट किया आंसर। और अगर आरएमएस करंट निकालना है, अगर आपने आई नॉट निकाल लिया, आई नॉट बाई √2 क्या होगा, आई आरएमएस,